एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहसील को खत्म करना चाहता है। डुमरी उपचुनाव में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की एंट्री। बिगड़ेगा किसका खेल, क्या बदलेगी चुनावी गणित, यह तो 5 तारीख की मतदान के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें, डुमरी में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी जनसंख्या है और अपने पार्टी प्रत्याशी अब्दुल मुबीन रिजवी के लिए हुई उनकी जनसभा में मोदी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस को मोहब्बत की दुकानदार और प्रधानमंत्री को चौकीदार कहकर निशाने पर लेते हुए कहा, एक तरफ दुकानदार और एक तरफ चौकीदार। यह दुकानदार ने 50 सालों से हमें लूटा, वहीं एक चौकीदार हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहता है। इसलिए आज देश में ना दुकानदार की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता हूँ मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में, मेरी तो सत्ता, मैं सत्ता में तो नहीं हूँ। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहसील को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि एक तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाल्लाह पैदा होगा। आप देखना, लोग बोलेंगे आपसे, अगर मुबीन रिजवी कामयाब हो गया तो क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक मुबीन रिजवी तुम्हारा विधायक बनकर झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो कम से कम मुबीन रिजवी की जबान से निकलेगा, शमशाद अंसारी जिंदाबाद, शमशाद अंसारी जिंदाबाद। कभी तो कोई लड़ेगा। हालांकि इस सभा के बाद अपने प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोटरों को रिझा पाएंगे, इससे किसको हानि और किसको लाभ पहुंचेगा, इस पर सभी की अपनी राय है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया और कहा, जब जब भाजपा और उनके सहयोगी भयभीत हो जाते हैं और समझ में आता है कि हमारी पतंग कट गई है तो इन लोगों को पतंग पकड़ने के लिए लाया जाता है। देश की जनता समझ गई है कि यह भाजपा की बी टीम है और ये दोनों ए और बी टीम मिलकर भी यहाँ खेलेगा तो भी कुछ नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता डुमरी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेबी देवी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। अरे देखिए भाईजान की एंट्री तो इसीलिए होती है कि जब जब भाजपा और उसके सहयोगी दल जब भयभीत हो जाते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि जो है हमारा बंडौल हवा में गुड्डी कट गई तो इन लोग को लाया जाता है गुड्डी पकड़ने के लिए, लेकिन इनका भी हाथ से सूता उखड़ गया है। पूरे देश का लोग ये समझ गया है कि भाजपा का ये बी टीम है और ए टीम बी टीम दोनों मिलके भी खेलेगा तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, और हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण मजबूती के साथ, ऐतिहासिक मत के साथ हम लोग यहाँ ये चुनाव जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे जो जगन्नाथ बाबू ने अपनी जान को कुर्बान किया है, उन्होंने अपनी जान को जनता के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा जिस नेता का लंग्स जो है चेंज हुआ हो और डॉक्टर ने कहा हो कि हर पल आपको गहन चिकित्सा में रहना है, लेकिन वो हर पल जनता की चिकित्सा करने लगे, जनता के लिए सोचने लगे, जनता के दुख दर्द में कूदने लगे, जंगल गांव गली गलियारे में घूमने लगे, तो वो उन्होंने शहादत दिया है। और झारखंड के लोगों की एक पहचान है कि हम पीठ में ना छुरा भोगते हैं ना उसको पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग ये जानते हैं कि जगन्नाथ बाबू ने उनके लिए अपना जान दिया है, शहादत दिया है, इसलिए कभी भी यहाँ की जनता उनको नहीं छोड़ सकती है। अल्पसंख्यक का वोट? अरे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वो लोग से होगा? अरे गंगा जमनी तहजीब है जी, ना राम के बारे में बोल पाएंगे ना अल्लाह के बारे में बोल पाएंगे, आप पूछिए ना, हम बोलेंगे जी दोनों के बारे में,
क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब बनाना चाहते हैं, मादरे वतन माँ भारती बनाना चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहते हैं। ओबेसी फोबेसी कोई फैक्टर नहीं है। वहीं भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही भी इस दौरान अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगने डुमरी पहुंचे, जहां ओवैसी के एंट्री और ओवैसी को भाजपा का बी टीम बोले जाने पर स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लिया और कहा, स्वास्थ्य मंत्री क्या बोल रहे हैं वह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके मंत्री और विधायक लोगों को पैसा बांट रहे हैं और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं ओवैसी पर बोले कि ओवैसी अपना काम कर रहे हैं और हम लोगों की लड़ाई हेमंत सोरेन से है। डुमरी की जनता व्याकुल है और आज अगर आम चुनाव हो जाए और आधी रात को अधिसूचना जारी हो जाए तो जनता 12 बजे रात को हेमंत सोरेन का हाथ पकड़कर उन्हें गद्दी से उतार देगी। उन्होंने कहा कि डुमरी विधानसभा में फल और फूल इस बार जीतने की कगार पर है। देखिए ओवैसी जी के बारे में कुछ भी कहना हम लोगों के लिए सही नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई हेमंत सोरेन जी से है। झारखंड के जनता और वर्तमान में डुमरी की जनता हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारने के लिए ललायत है। आज आम चुनाव अगर झारखंड में हो जाए तो आज रात के 12 बजे अगर अधिसूचना जारी हो जाए, जनता इतना व्याकुल है कि 12 बजे रात को लाइन लग करके हेमंत सोरेन जी को हाथ पकड़ करके गद्दी से उतार देगी। इतना जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। उसी का परिणाम है, आप देखिए रामगढ़ उपचुनाव, उसी का रिजल्ट निकलेगा आपको डुमरी में। नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी तो बी टीम है बीजेपी के। स्वास्थ्य मंत्री जी कब कहाँ क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इनके मंत्री क्या कर रहे हैं, हम लोग तो जा रहे हैं तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मंत्री और जो बाहुबली विधायक लोग हैं वो पैसा तक बांट करके लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर, सहप्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस ने ओवैसी के डुमरी विधानसभा में एंट्री को लेकर मंतव्य को साफ किया, वहीं एनडीए के सहयोगी दल आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी आजसू से अपनी प्रत्याशी यशोदा देवी की जीत सुनिश्चित करते हुए बताया कि यहां का मुस्लिम समाज जानता है कि सुदेश महतो उसके लिए और समाज में राजनीति के लिए सबको एक बराबर का दर्जा देता है और जब जहां जरूरत पड़ती है सुदेश महतो खड़ा रहता है। ओवैसी की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और बहुत सारा वोट हमारा मुस्लिम समाज का हमारे पक्ष में आएगा। उनके प्रत्याशी हैं तो उन्हें भी अपने प्रत्याशी का प्रचार करने का अधिकार है। ओवैसी को भाजपा का बी टीम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि यूपीए का हिस्सा हो सकता है, वो उनके साथ हो सकता है, वो लगातार उनके साथ मिलकर वह चुनाव लड़ते हैं। मैं नहीं जानता उनके हिस्ट्री को, कौन कहा, ये 6 लोग लड़ रहे हैं, 6 लोग चुनाव में हैं, उनका भी प्रत्याशी है, उनको भी अपने प्रचार करने का हक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी आगे प्रचार कर रही है, हमारे साथ भी हमारे भाईजान तो हमारे साथ हैं। हमारे भाईजान हमारे जो अकील अख्तर साहब है, हमारे पार्टी के नेता हैं और इस राज्य में इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। अब वो लीडर है हमारे साथ, वो आ रहे हैं, वो अपील करेंगे और इन जनरली इस समाज के लिए मुझे अलग से कोई मंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का मुस्लिम समाज जानता है कि सुदेश महतो उनके लिए और राज्य में राजनीति में सभी को बराबर का दर्जा देता है और जब जहाँ जरूरत हुआ सुदेश महतो खड़ा रहा है। हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और आप देखना बहुत ज़्यादा वोट हमारे मुस्लिम समाज का, मुस्लिम दीदियों का अच्छू के पक्ष में आएगा। फिलहाल किसका खेल बिगड़ेगा, किसको लाभ पहुंचेगा, किसको हानि होगी, यह तो आने वाले 5 सितंबर की मतदान और 8 सितंबर के परिणाम से ही पता चल पाएगा। जनता जिसे चुनेगी वह सत्ता पर बैठेगा। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन से झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी से सीधी टक्कर है। इस बीच भाईजान ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने और अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने के लिए एंट्री मार दी है।